अधिनियम 1995 देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। तो मुझे लगता है वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 301 का उल्लंघन है और इस पूरे एक्ट को निरस्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सरकार वक्फ की जितनी भी जायदादें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है और प्राइम लैंड है, उन पर कब्जा करने की मंशा रखती है। केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करके उनके वोट प्राप्त करने का। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 2024 के आम चुनाव से पहले संसद में नया कानून बनेगा और वक्फ एक्ट 1995 खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या सेकुलर देश में एक विशेष धर्म के लिए अलग से कानून होना चाहिए? सवाल ये भी है कि वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ संसद में विधेयक पेश हुआ तो विपक्ष टेंशन में क्यों आ गया? दरअसल शुक्रवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने निजी विधेयक पेश किया। हरनाथ सिंह ने मांग की है इस विधेयक के जरिए कि वक्फ एक्ट 1995 को रद्द किया जाए, लेकिन इस विधेयक की मांग पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। सभापति को विधेयक को पेश करने के लिए, यानी पास होगा नहीं होगा बात की बात है, सभापति को विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग करानी पड़ी। विधेयक पेश करने के पक्ष में 52 जबकि खिलाफ में 32 वोट पड़े। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्षों को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। आप सोचिए, ऐसा एक्ट है जिसके खिलाफ ट्रिब्यूनल का उसी का फैसला है तो आप कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ लाए गए इस विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसे विधेयक को पटल पर लाना भी संविधान के खिलाफ है। विपक्ष के साथ साथ तमाम तथा कथित मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। सुनिए, हमें तो लग रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सरकार वक्फ की जितनी भी जायदादें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है और प्राइम लैंड है, उन पर कब्जा करने की मंशा रखती है। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उस तरह से वक्फ बोर्ड को बना दिया जाए। क्यों नहीं बनाया जाता? और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है, उसका बाकायदा जो है चुनाव करें जो इसके हकदार हैं। तो अगर ऐसा कोई निजाम बन जाए तो मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें ठीक हो जाए। बाकी ये कि वक्फ काउंसिल मौजूद है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल मौजूद है, इसके अलावा वक्फ बोर्ड है, फिर आप सरकार उसको मॉनिटर कर सकती है। इन तमाम चीजों को मैं समझता हूं कि देखना चाहिए और उसके बाद ही कोई बात कहना चाहिए। सिर्फ ये कि ऐसे इल्जाम लग रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। उधर वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कहा है कि वक्फ एक्ट में कई ऐसे कठिन प्रावधान हैं जो दूसरे धर्म की जमीन पर भी कब्जा कर सकता है और वो बेचारा फिर अदालत भी नहीं जा पाएगा, अपील भी नहीं कर पाएगा। लिहाजा विष्णु जैन ने भी मांग की है कि इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए। सुनिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रद्द करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 में ऐसी धाराएं जो बहुत ही ड्रैकोनियन हैं, जैसे सेक्शन 4, 5 और 6 जो वक्फ बोर्ड को सर्वे करने का अधिकार देता है, उस सर्वे में किसी भी अन्य धर्म के लोगों की संपत्ति भी सर्वे में इंक्लूड की जा सकती है। सेक्शन 8 में सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, जो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को पावर है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। तो मुझे लगता है वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 301 का उल्लंघन है और इस पूरे एक्ट को निरस्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। चलिए आगे, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ भी होंगे और वो विस्तार से आपको समझाएंगे। विपक्षी दलों के वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ विरोध करने पर
हरनाथ सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला भी बोला और कहा कि वोट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह किया जा रहा है और इसीलिए लाया भी गया था। सुनिए, वोटों के व्यापारी हैं और वोट प्राप्त करने के लिए ये कितना ही नीचे गिर सकते हैं, देश का विभाजन कर सकते हैं, हिंदू मुसलमानों में कत्लेआम करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र जो है हमेशा हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का रहा है, नफरत पैदा करने का रहा है और उसमें संपूर्ण विपक्ष जो है शामिल है। उसी कड़ी में कल मैंने जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया वक्फ बोर्ड 1995, उसी कड़ी में उनका ये विरोध था, केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करके उनके वोट प्राप्त करने का। आज इस मुद्दे पर बहस करें, सवाल बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 की किन धाराओं को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है और क्यों शुरू से इसका विरोध हुआ और क्यों अब इसको हटाने की मांग हो रही है। तो चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40 में यह प्रावधान है कि किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है, यानी खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही वकील बन जाएंगे और बता देंगे कि यह संपत्ति हमारी है। इसके बाद इसी एक्ट का सेक्शन 54, वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड सीधे डीएम को आदेश दे सकता है, यानी सीधे कहेगा नहीं, अपील नहीं करेगा, डीएम को आदेश की हटाओ यह अतिक्रमण। शेष सेक्शन 4-5 जिसका जिक्र विष्णु शंकर जैन कर रहे थे, वक्फ संपत्ति के सर्वे का खर्च राज्य सरकार देगी। सोचिए, वक्फ को लगता है कि यह जमीन हमारी है, इसका सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे करेगा वक्फ लेकिन खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, वक्फ बोर्ड नहीं उठाएगा। राज्य सरकार सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति करेगी, यानी खर्चा वहीं से आएगा। अब सेक्शन 85, वक्फ से जुड़े मामले को सिविल कोर्ट में चैलेंज ही नहीं दे सकते, यानी अगर वक्फ बोर्ड कहती है कि यह प्रॉपर्टी हमारी हो गई, आपको लगता है कि यह गलत कह दिया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट की जगह वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना होगा, यानी फिर उन्हीं के पास जाना होगा कि भाई आपने ये गलत कह दिया, इसको फिर से समझिए और पढ़िए और देखिए कि आपका फैसला गलत तो नहीं है। सेक्शन 89 इसका, वक्फ बोर्ड के किसी फैसले को कोर्ट ले जाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा, यानी तुरंत आप जा भी नहीं सकते हैं, हाई कोर्ट में जा पर प्रावधान है। सेक्शन 101, वक्फ बोर्ड के सदस्य पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सेक्शन 83, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होगी, यानी वो भले इस्लामिक चीजों का जानकार होगा लेकिन उसके पास अधिकार होगा, सिविल कोर्ट में जो जज पढ़ाई पढ़ के गया है, एग्जाम पास करके गया, उसकी जैसी पावर होगी उसके पास। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, सभी पक्षों को मानना होगा भले आपको ये ठीक लगे या ना लगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है, सिर्फ हाईकोर्ट के पास ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की पावर होगी, यानी हाईकोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट आप नहीं जा पाएंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि संसद में नया कानून बनेगा, क्या वक्फ का कंट्रोल हट जाएगा? वक्फ पर घमासान किसने किया हिंदू मुसलमान? वक्फ पर संसद में वोटिंग, विपक्ष आग बबूला क्यों? क्योंकि यहां तो विधेयक पेश करने के लिए ही वोटिंग हो गई। सेकुलर देश में एक धर्म के लिए अलग कानून और असीमित अधिकार क्यों? क्या 24 के चुनाव से पहले वक्फ एक्ट 1995 खत्म होगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद फैज खान जो कि नेशनल कन्वेनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, विनोद बंसल जी बीएचपी के प्रवक्ता, मोहम्मद अतीक स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम लीग के, हाफिज नूर अहमद अजारी साहब यूपी प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन विष्णु जी, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं, जरा लोगों को बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों इस कानून को खत्म करने की मांग? लंबे समय से इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, अब तो निजी विधेयक पेश हो गया और उस विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग करानी पड़ी क्योंकि लोग चाहते नहीं थे संसद में। और मुझे लगता है जो लोग इस देश में सेक्युलरिज्म को भी विश्वास करते हैं, इस कानून, ये जो कानून है वक्फ एक्ट 1995, ये सेक्युलरिज्म का भी मर्डर करता है, उसका जीता जागता उदाहरण है सेक्शन 4, 5 और 6। सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाता है। सेक्शन 6 में पहले ये कानून था कि इसमें नॉन मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 में उसमें अमेंडमेंट करके पर्सन एग्रीड वर्ड यूज कर दिया,
और अब हिंदू समाज के लोग भी उस सर्वे में इंक्लूडेड हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिमार्केबल बात है जिसको गौर करना चाहिए, वो ये है कि जैसे लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन, मतलब जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके यहाँ पे आप बता दीजिए। वफ एक्ट 1995 में, मुझे सारे पैनलिस्ट जितने यहाँ बैठे हैं मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, सेक्शन 4, 5 और 6 में जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसको कोई नोटिस देने का प्रावधान ही नहीं है, सीधे गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सेक्शन 6 में अगर 1 साल के अंदर आपने उसको वर्क ट्रैवल में चैलेंज नहीं किया तो वो गजट फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हजारों लाखों एकड़ संपत्ति वर्क के दायरे में जा रही है, जिसकी संपत्ति एक्वायर भी की जा रही है, सर्वे में जा रही है, उसको बताया भी नहीं जा रहा है। सेक्शन 8 में इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, ऐसा कोई भी प्रावधान किसी हिंदू मंदिर के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और नागरिक के लिए नहीं है। सेक्शन 85 जैसे आपने बताया वफ ट्राइब्यूनल का गठन होता है, और वफ ट्राइब्यूनल जो सबसे महीन बात है वो ये है कि उसमें इस्लामिक लॉ के जानकार जो है उस ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। और जो सबसे मार्वलस बात आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ बहुत अथॉरिटी से, कि जरा इन सारे लोगों से पूछिए, सारे जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कि भैया वफ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लाम में या हदीस में या कहीं भी कहाँ पे आता है? वर्क बाय यूजर के कॉन्सेप्ट्स के आधार पे राकेश भाई हजारों लाखों वर्क किलोमीटर। अच्छा एक चीज विष्णु जी, एक चीज और बता दीजिए फिर मैं रुक कर ही जाता हूं जिधर आपने इशारा किया कि क्या किसी दूसरे धर्म के लिए, चूंकि कानून यहां पर जितने पैनलिस्ट हैं सबसे ज्यादा आप जानते हैं, आपको जानकारी है, क्या किसी भी दूसरे धर्म के लिए, मुस्लिम छोड़ दिया जाए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए और भी जितनी मान्यताएं हैं, पंथ हैं, क्या किसी के लिए इतने असीमित अधिकार वाला कोई एक्ट है, कोई कानून है? नहीं, किसी के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहाँ पे किसी समाज को ये पावर दी गई हो कि भाई आप किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हो, उनके लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दायरा दर्जा दिया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ राकेश भाई, वफ की इस आग से इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नहीं बचा। आपको जान के हैरानी होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी हुई थी और जब वो मस्जिद की लीज एक्सपायर होगी, वो लीज पे वो जगह थी, तो 2017 में उसको वफ घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको हटाने का, और उसके और गलत आपने कब्जा किया और गलत कब्जे के आधार पे आपको अल्टरनेट जमीन लेने का भी आदेश पारित किया गया। आपको याद होगा राकेश भाई, कर्नाटका में बेंगलोर में ईदगाह मैदान पे जो 2 दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का ऑर्डर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया था, उस ऑर्डर के खिलाफ भी वापस सुप्रीम कोर्ट आई, और कहा पिछले 200 साल से इस जगह को हम ईदगाह मैदान के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार, मैं आगे बढ़ जाता हूँ विष्णु जी, बहुत सारी चीजें आपने साफ कर दी, लेकिन जो सबसे मजेदार रहा वो हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया, वो भी गलत तरीके से, हम क्या करें? यानी हाईकोर्ट ही लाचार हो गया, गजब हो गया इस देश में। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात नहीं है। ठीक है। चलिए मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, आपने बहुत सेकुलरिज्म की ढोल पीटी है इससे पहले, और सभी लोग पीटते हैं, पीटना भी चाहिए, देश सेकुलर है भाई, लेकिन फिर एक धर्म के लिए ऐसा असीमित अधिकार वाला कानून क्यों, दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं? यह सेकुलरिज्म को चोट करता है, तो यह 95 वाला जो प्रावधान जुड़ा था वो खत्म क्यों ना हो जाए? राकेश जी देखिए, आज से 10 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 10-12 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी आई तो फिर समझ लीजिए कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। संसद में मुसलमानों को गालियां भी दी जा रही हैं, मदरसों के सर्वे करे जा रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि आतंकवादी फंडिंग हो रही है, गतिविधियां देश विरोधी, कुछ भी कह लीजिए चलता है। और ये जो विष्णु शंकर जैन जी बोल रहे हैं, ये आज से 10 साल 15 साल पहले कहां थे, इनके वालिद साहब कहां थे, तब तो नहीं बोलते थे, आज ये बता रहे हैं। और आप कह रहे ना कि इस हिंदुस्तान में एक मजहब के लिए कानून, हिंदू अविभाजित फैमिली के लिए बहुत सारे प्रावधान नहीं है क्या? क्या वो तो असीमित अधिकार है क्या? क्या मजहब के नाम पर अधिकार है क्या मोहम्मद अली? प्रॉब्लम नहीं, असीमित अधिकार है क्या? वक्फ बोर्ड किसी, आ रहा हूँ विष्णु शंकर जैन जी, हम वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की जमीन पर कह दे कि ये वक्फ हो गई, मैं उसका अभी विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा, पूरा खाका रख देंगे। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव तिरुचिरापल्ली, वक्फ बोर्ड ने कहा ये सब कुछ हमारा है भाई, कोई पूरा गांव, कोई नहीं,
कोई वक्फ अपनी जमीन को अपना जमीन कहता है। अच्छा, वक्फ अपनी जमीनों को अपनी जमीन कहता है। किसी पे तो हाई कोर्ट वाली जमीन प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। वक्फ अपनी जमीनों को अपनी जमीन कहता है। मस्जिदें हमारी हैं, वक्फ मस्जिदें होती हैं। अगर किसी मस्जिद को कहा गया है कि हमारी मस्जिद है तो वो वक्फ मस्जिद होती है, क्योंकि मस्जिदें हमेशा वक्फ होती हैं, कब्जा करके नहीं बनाई जाती। अतीक भाई सुनिए ना, सुनिए 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 गया है तो कहिए, सुनिए सुनते रहिए, थोड़ा बीच बीच में स्टॉप लिया करिए। जो विष्णु शंकर जैन जी ने हाईकोर्ट वाली बात कही, नहीं स्टॉप क्या, अरे रुकिए ना, स्टॉप मतलब हॉल्ट लिया करिए, सुना करिए, सवाल सुनेंगे तो जवाब देंगे, आप ही के पास हूँ। नहीं सर, आप इतना बौखलाइए मत, आपने सवाल किया, इतना बौखलाइए मत, सुनिए आप, फैक्ट के खत्म होने की बात हो रही है तो नहीं रहा हूँ, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना अतीक भाई, सुनिए सुनिए, अरे ऐसे फिर मैं आपके पास उलझा रहूंगा, समय समय मत चाहिए, रुकिए। जो विष्णु शंकर जैन जी ने हाईकोर्ट वाली बात कही, हाई कोर्ट लाचार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड से हटाओ, भाई ये तुम्हारी नहीं है, क्या था ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन, बड़ा आपत्तिजनक है कि हाई कोर्ट को लाचार कहना, ये तो अरे जाना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बात है ना कि हाई कोर्ट को लाचार, अरे यहां हाँ तो ये तो ये तरीका है, तरीका है, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें लाचारी क्या है, घोषित कर दिया, अब जो आपने इसमें लाचारी क्या है, इसके खिलाफ जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको ऐसे अधिकार दिए गए कि आप संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ राकेश भाई, आपके और अगर किसी जगह कॉम्पेंसेशन दे रहा है तो उसका मतलब है वो हमारी संपत्ति थी, तभी तो कॉम्पेंसेशन मिला, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको, अगर कॉम्पेंसेशन मिला है तो उसका मतलब है वो हमारी जमीन थी, कॉम्पेंसेशन किस बात का मिलेगा, घोषित कर दिया उस पार्क को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, आपने को छोड़ा ही नहीं सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, बेट द्वारका को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, टाइम्स नाउ का अरे जो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, हजारी साहब आपके पास आ रहा हूँ, फिर विनोद बंसल जी आपके पास और फैज खान जी आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए हजारी साहब, मतलब गजब का एक्ट है कि ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज ही नहीं कर सकते, जो आदमी बैठा है वो इस्लामिक लॉ का जानकार होगा लेकिन उसका राइट होगा सिविल कोर्ट के जज जैसा, ये अजीब अजीब स्थिति है, और गड़बड़ी आपको लग रहा है या ये जो बात कर रहे हैं आप लोग ठीक कभी किए ही नहीं? देखिए जो भी ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट आया है ये भी किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया होगा, ये भी एक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है, नंबर एक। दूसरा, अभी आप जो बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो तो सर्वोपरि है। अभी हम बाबरी मस्जिद का तस्करा कर देंगे तो आपको मिर्चे लग जाएंगी, अभी आप बहुत सारे मामले आप कर देंगे, पेश कर देंगे। अरे सुन ले भाई, जब 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 हाईकोर्ट गया तो वो भी संवैधानिक गया ना, गैर संवैधानिक तो नहीं हो रहा कुछ, कब्जा है। अगर वो जमीने ले रहा है या वो, पहली बात तो वक्फ बोर्ड बोर्ड के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको भी हम समझ रहे हैं, अप्रिशिएट करिए, चुके 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 एक आदमी जो बाकायदा समझा करके मतलब अपने अपनी तरफ से व्यक्तिगत बिल लेकर के पहुंचा है वहां पे, जमीन कब्जा कर, वो व्यक्तिगत नहीं पहुंचा। अजारी साहब, सवाल ये था, चर्चे में आए, हाँ अच्छा रुकिए रुकिए अजारी भाई, देखिए इसके सुनिए 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 सुनिए, विष्णु शंकर जैन जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुनिए सवाल, मैं पूछना चाहता हूँ अजारी साहब आपसे कि आपको ये कैसे अधिकार मिल सकता है कि आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें? शिया सुन्नी के डिस्प्यूट के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बने, ये बात तो समझ में आती है, जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1998 आपको आदत है कि हम के मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजों पर कहीं ना कहीं कमियां निकालते रहे। अगर हम ऐसे ऐसी बातें लेकर के आएंगे ठीक है, हमें आतंकवादी घोषित करवा देंगे। चलिए मैं आगे नहीं जवाब देंगे, विष्णु शंकर जैन जी राम मंदिर उलझना समय की बर्बादी, जवाब नहीं देंगे। सुनिए मंदिर के लिए आपको और मोहम्मद अतीक दोनों लोगों को कुछ सुनवाता हूँ। विनोद बंसल जी जरा बताइए कुछ उदाहरण, हम कहेंगे तो कहेंगे कि मैं ही कह रहा हूँ भाई, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से पता नहीं कितनी कितनी जमीनें, एक हाईकोर्ट वाली बात विष्णु शंकर जैन जी ने कह दी, कहां कहां ऐसा विवाद हुआ जरा बताइए इनको।
लेकिन इससे पहले जो मैं आपको प्रेस देना हूँ इनके उस उनके इनके उस मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं वो लंबी फहरिस्त गिनाऊं, इसे इनको ये बता दूं, दोनों कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं ना कि ये विष्णु शंकर जैन 10 साल पहले कहाँ थे, 1995 के बाद क्यों नहीं बोले? कहना चाहता हूँ विष्णु परसद ने 1984 में मुकदमा दर्ज किया था और कहाँ पर, दिल्ली हाईकोर्ट में, अभी भी वो लंबित है। आपको पता है भारत सरकार ने उसी के बेस पर डिसीजन दिया है कि वो 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जिसमें भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन भी शामिल है और आप बताओ भारत का वायरलेस सब स्टेशन भी शामिल है, भारत के कई डिफेंस आउटलेट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो उसमें इन्होंने कब्जा कर रखा है। आप देखिए भारत की 123 प्राइम लैंड की मेरी बात को पूरा होने दे रहा जी, जरा मेरा सर्वे मेरे को बोलने दे। और फिर आपको कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। राकेश जी मुझे कटरा बोलने दिया जाए, जो चाहिए अजहरी साहब कोर्ट में, वो परखकर कोर्ट की बात कहेंगे तो आपका बाबरी का दर्द निकलकर सामने आने लगता है। अब नहीं समझ में आता है कि कोर्ट पर यकीन करना चाहिए, ज्ञानवापी का केस चलता है कोर्ट में तब आपको नहीं समझ में आता है कि कोर्ट पर यकीन करना चाहिए, फिर तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया। हमने किया है आकर ढोल पीटना शुरू कर देंगे तो सुनिए विनोद बंसल को, फिर उसके बाद फैज खान का रुख करता हूँ और आपको आईना दिखाएंगे। रुक जाइए भाई, रुकिए 30 सेकंड विनोद बंसल की अपनी बात पूरी करिए फिर फैज खान, रुकिए प्लीज सिर्फ विनोद बंसल की आवाज होने। देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ इंद्रप्रस्थ विष्णु उपस्थित 1984 से एक केस को लड़ रहा है, राम मंदिर के लिए हमें 40 साल नहीं लगे, लेकिन इस बाबरवादियों से 123 भारत सरकार की और भारत की राजधानी की 23 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए विष्णु उपस्थित ने 40 साल से अधिक लंबी लड़ाई लड़ी है। और आप देखिए कि हमने अंततोगत्वा दो सरकारों के द्वारा किए गए उन पापों का परिमार्जन करते हुए उन सारी की सारी 123 संपत्तियों को बचाने का हमने साहस दिखाया है। इनको बता दो राकेश जी, इनको बता दो ये मुकदमा 1995 से ही पहले का है। और अभी भी बता दूं आपको मैं, हम भारत सरकार की किसी भी संपत्ति को किसी जिहादी का कब्जे में नहीं जाने देंगे, हमारा संकल्प है। और अभी भी बकतोड़ की संपत्तियों की जो बातचीत हो रही है तो विष्णु जी ने कहा है, मैं साधुवाद देता हूँ विष्णु शंकर जैन जैसे युवा और विद्वान वकील को कि जिन्होंने कम से कम लगातार मिल करके अपना सारा कैरियर दांव पर लगा करके इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत सरकार की संपत्तियों की रक्षा करने के लिए और इस हिंदू समाज के कल्याण के लिए, जिहादियों से उसको मुक्ति दिलाने के लिए इस बकबोर्ड के खिलाफ एक महाअभियान छेड़ा हुआ है। और मैं बता दूं आपको, देखिए जहां प्रॉपर्टीज की बात है तो मैं बताता हूं कि तमिलनाडु के चाहे थरुई गांव की बात हो, आपको पता है वहां 95% हिंदू आबादी है और वहां पर मंदिर पर भी कब्जा और पूरे गांव को उन्होंने संपत्ति दिखे कर रखा है। बताओ क्या ये भारत है या कोई पाकिस्तान में भी नहीं है ऐसा? तो आप मुझे बताइए दिल्ली में हाईकोर्ट की जो हाईकोर्ट में जो एक याचिका दायर की गई थी किसको लेकर के, ये सेंट्रल मिनिस्टर को लेकर के, अरे भारत की ये तो संसद भी नहीं बनाने देंगे, ये वो लोग हैं जो संसद पर भी कब्जा करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहरौली के आपको पता है मेहरौली में 5-6 ये जो पूरा जो जंगल था उसमें हजारों का ठीक है इतना ही डोज काफी है विरोधी, इतना ही डोज काफी है। देखिए आजारी साहब से हजम नहीं हो रहा है ये वाला डोज, अब मैं फैज खान आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए नहीं दोस्त नहीं करते भाई, सुनिए मैं उस गठ को इंडोर्स नहीं करता हूँ, विनोद बंसल की अपील है, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूँ, वो अपने शब्द है उनके शब्द है। सुनिए अरे रुकिए आजारी साहब, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए प्लीज सुनिए फैज खान, 2-3 सवाल एक साथ आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक सवाल, क्या सेकुलरिज्म की सोच को चोट नहीं पहुंचाता है वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है 95? दूसरा ये है कि एक खास धर्म के लिए है और मान लीजिए वो कहता है ठीक है सर्वे, तो राज्य सरकार सर्वे का खर्चा क्यों उठाए भाई? और एक इस्लामिक लॉ का जानकार आ रहा हूं और एक इस्लामिक लॉ का जानकार उसका राइट सिविल कोर्ट के जज के बराबर कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। देखिए वक्फ एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, जब व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ करता है तो उसका ये भाव रहता है कि वहाँ स्कूल बने, कॉलेजेस बने, वहाँ पर मदरसा बने, मस्जिदें बने। वक्फ की संपत्ति समाज कल्याण के लिए होती है, वक्फ के कार्यालय में बैठकर बिरयानी खाने के लिए नहीं होती है। वक्फ के सदस्य कारों में घूमें, आलीशान घरों में रहें वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ये इसके लिए नहीं होती है। ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह हो रहा है 1995 के एक्ट के कारण,
इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो गलत लोग वक्फ पर बैठे हुए हैं और कभी मंदिरों पर अपने वक्फ की भूमि बता देते हैं, कभी हाईकोर्ट में बता देते हैं, कभी किसी के पर्सनल घर को बता देते हैं और वक्फ एक्ट 1995 का खुलकर दुरुपयोग करते हैं, ऐसे शैतानी किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन लोग इसका दुरुपयोग करें। यदि दुरुपयोग से फैज खान दुरुपयोग से आगे का मामला है, मैं कह रहा हूं इतना असीमित अधिकार किसी और धन के पास है क्या? यदि इसे हटाया जाता है और इसका होना, मैं बता रहा हूं राकेश भैया, इसका होना भारतीय संविधान के समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, अनुच्छेद 29 और 30 का भी उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। कितने पैतरे आपने, कितने पैतरे बदले बीच में दिया गया है, उसे जज बनने का अधिकार दे दिया गया है, यानी कि ये एक्ट 1995 का वक्फ एक्ट ना हुआ रोलेक्ट एक्ट हो गया। भाई बहुत अच्छा, कोई भी फैसला आप दे देते हैं तो निश्चित रूप से इसे हटाया जाना चाहिए, वक्त की संपत्तियों का सही उपयोग होना पहले चाहिए। फैज भाई कुछ और बोलना था, जब राकेश जी को नाराज देखा तो उन्होंने अपनी बातों को पलट दिया। आपके पास सबसे ज्यादा जमीन है रेलवे और सेना के बाद, फिर भी आप उस पर स्कूल आप नहीं समझ पा रहे अजहरी साहब, के खिलाफ कोई नहीं है, मुझे लगता है नहीं होंगे, लेकिन ये जो 95 वाला मामला है ना, जो अनलिमिटेड राइट्स दे दिया, बिल्कुल ये जो दूसरे के अधिकार में घुस रहा है उसके खिलाफ है, इनके पूर्वज हैं, ये ऐसी कन्नी काट के निकल जाना मेल से, ये ऐसी कन्नी काट के निकल जाना। अच्छा चलिए 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 मैं रोकूंगा सबको, वक्त इतना ही है, लेकिन ये अनलिमिटेड राइट्स का विरोध है, एक खास धर्म को और किसी बात का विरोध नहीं है, वक्त फैक्ट रहे अपनी जगह, लेकिन अनलिमिटेड राइट्स खत्म हो ये मांग हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।